नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। जावेद हबीब पर मुकदमा दर्ज। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में हेयर स्टाइलिश जावेद हबीब की शर्मनाक हरकत वाले मामले में अब पुलिस ने भी अपना सिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिसके चलते पीड़ित महिला पूजा गुप्ता की लिखित शिकायत पर मंसूरपुर थाना पुलिस ने इस मामले में जावेद हबीब पर धारा 355, 504, IPC 3 महामारी अधिनियम और 56 आपदा प्रबंधन जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। दरअसल बीते 3 जनवरी को मंसूरपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 58 पर स्थित किंग वल्ला रिजॉर्ट में मोहम्मद नौमान और मोहम्मद अमान नाम के दो युवक ने एक सेमिनार का आयोजन किया था, जिसमें जावेद हबीब चीफ गेस्ट बनकर के पहुंचे थे, जहां उन्होंने कार्यक्रम में आए लोगों को महिलाओं के बाल काटने के गुर सिखाए थे। इसी दौरान जावेद हबीब ने एक महिला के सिर में थूक करके बाल काटते हुए लोगों को थूक में कितनी जान है ये बताने की कोशिश की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर भी वायरल हुआ था। इस मामले में पीड़ित महिला पूजा गुप्ता के द्वारा जावेद हबीब के खिलाफ मंसूरपुर थाने में जहां लिखित शिकायत कर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई थी, तो वहीं इस मामले को लेकर के कल कई हिंदू संगठनों के द्वारा भी इसका विरोध का प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान सोशल मीडिया पर जावेद हबीब का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह माफी मांगते हुए कह रहे हैं कि मेरे सेमिनार में हुए कुछ वर्ड को लेकर के कुछ लोगों को कुछ ठेस पहुंची है। मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि हमारी जो सेमिनार हुई थी वो प्रोफेशनल सेमिनार है, मतलब जो लोग हमारे प्रोफेशनल के अंदर काम करते हैं और ये हमारे लंबे शो होते हैं। मैं एक ही बात बोलता हूँ, दिल से बोलता हूँ, अगर आपको सच्ची में ठेस पहुँची है माफ़ करो ना, सॉरी, दिल से माफ़ी मांगता हूँ। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट। सर, जावेद हबीब पर मुकदमा दर्ज हुआ, सर मंजूर क्या मांगा? ये अभी 2 दिन पहले एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें जावेद हबीब जो कि एक सेलिब्रिटी हेयर ड्रेसर हैं, उनका एक वीडियो था जिसमें वो महिला पे थूक रहे हैं, इस तरह का कोई वीडियो था, उसका हमने संज्ञान लिया था। और कल जो है, जो ये महिला है, इन्होंने कल एक तहरीर दी थी मंसूरपुर थाने में, उस तहरीर के आधार पर हमने सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है और उसके आधार पर हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। सर, कौन कौन सी धाराएं हैं इसमें? जो भी धाराएं बनती हैं, जो जैसे कि जो उन्होंने तहरीर में भी बताया था, उसी हिसाब से हमने उसमें मुकदमा पंजीकृत किया। ठीक है, थैंक यू। मेरे सेमिनार में हुए कुछ वर्ड को लेकर कुछ लोगों को कुछ ठेस पहुंची है। एक ही बात बोलना चाहूंगा, हमारे जो सेमिनार होते हैं ना, ये प्रोफेशनल सेमिनार है, मतलब जो लोग हमारे प्रोफेशन के अंदर काम करते हैं, और हमारे लंबे शो होते हैं, और मतलब लंबे शो जब होते हैं तो हमें थोड़ा इसको ह्यूमरस बनाना पड़ता है। बट क्या बोलूं, एक ही बात बोलता हूं, दिल से बोलता हूं, अगर आपको सच्ची में ठेस पहुंचे, हर्ट हुए हैं, माफ करो ना, सॉरी, दिल से माफी मांगता हूं।